अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। और इधर जो है मैंने गोश्त जो है वो बॉयल करके रख लिया है। इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक और एक प्याज और नमक बस। और इसको जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा के इसको बॉयल कर लिया। और अब इधर हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगा गोश्त। इसमें मैंने ऑयल जो है वो अपने हिसाब से डाला, क्योंकि मैं अभी ब्लड कर सकती हूँ और मेरे हस्बैंड भी। तो मैंने इसलिए जो है ना नमक ऑयल कम में डाला। इसको 5 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया। ऑयल मैंने थोड़ा ही डाला है अपने हिसाब से, आप देखिए अगर आपको ज़्यादा डालना तो ज़्यादा डालना। अब ये सारे स्पाइसेस हैं, फिर हम इसको 5-10 मिनट के लिए भूनते हैं गोश्त के साथ। तो मैंने 5 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं ये जो यखनी बनाई थी ये वाली, इसमें मैंने डाला था लहसुन अदरक, एक प्याज और हरी मिर्च और नमक, ये डाल के मैंने बॉयल कर लिया था। अब ये सारी यखनी मैं इसके अंदर डाल दी। इसके अंदर मेरे 3 गिलास चावल हैं और ये तकरीबन 5 गिलास यखनी के होंगे। नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे, आप चख के देख लें कम या ज़्यादा, जिस तरह भी आप खाते हैं। पानी चावलों को उबलने लग गया था और मैंने इसमें डाल दिया चावल। और टमाटो, मैंने टमाटो पेस्ट डाला है इसके अंदर 1 चम्मच बस। और थोड़ा सा लेमन डाला है, जैसे 2-3 चम्मच लेमन डाल दिया। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं। पानी का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि अगर चावलों की मकदार से इतना 1 इंच ऊपर है तो वो बेस्ट है चावलों के लिए। उससे बिल्कुल चावल जो हैं वो दाना दाना बनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये चावल हम हमारे ऊपर रहे हैं, पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। पानी हमारा सूख चुका है और अभी हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। और स्टोव जो है मैंने मीडियम पे कर दिया, तो 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। ये अल्लाह ताला की रहमत से, उसकी बरकत से कितने अच्छे चावल बने, माशाल्लाह माशाल्लाह, दाना दाना कैसे बने। चले आइए, आप भी खाते हैं, हम मिल के खाते हैं। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दो अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और जहाँ भी रहें अच्छे रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन।